नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके शेड सर्कल चैनल। तो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा एक टॉपिक की, जो राजपथ था दिल्ली में, उसका रिसेंटली नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया और साथ ही में इनॉग्रेशन किया गया स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और क्या क्या हमारा कॉलोनियल पास्ट रहा है इससे रिलेटेड, और किसने ये कंस्ट्रक्ट किया है। और शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करेंगे हम इसकी हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो राजपथ है इसका इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल रहा है। तो जो सेरेमोनियन बुलवार्ड ऑफ द नेशनल कैपिटल रनिंग फ्रॉम द रैसियाना हिल, जो रैसियाना हिल है इसी पर मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज और राष्ट्रपति जो भवन है वहीं पर है। तो राष्ट्रपति भवन से लेके जो इंडिया गेट तक जो वे पड़ता है उसको किंग्स वे के नाम से जाना जाता था हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, और बाद में जब कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ उसके बाद इसको नाम दिया गया राजपथ, और अब रिसेंटली जो नेम दिया गया है वो दिया है कर्तव्य पथ। अब हम जानते हैं कि इसको किंग्स वे क्यों कहा जाने लगा। तो इन 1911 व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मूव देयर कैपिटल फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली, तो पहले हमारी कैपिटल जो कलकत्ता हुआ करती थी, तो 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी कैपिटल चेंज करके दिल्ली कर दी, और वहाँ पर जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी वहाँ पर जॉर्ज पंचम, जिन्हें यहाँ पर किंग्स जॉर्ज पंचम के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इसके यहाँ पर इनाग्रेशन में आए थे और उन्हीं की ऑनर में इस वे को किंग्स वे का नाम दिया गया। तो यहाँ पर 15 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम एंड हिज क्वीन मैरी ने फाउंडेशन स्टोन रखा न्यू कैपिटल का इन दिल्ली में, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कलकत्ता से अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया दो आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसको, इस सिटी को बिल्ड करने के लिए। द प्लान ऑफ सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड किंग्स वे वॉज चॉक्ड आउट बाई सर एडविन लुटियन। तो जो जो किंग्स वे का प्लान था ये एडविन लुटियन का था। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हमारी होगी उसके बाद किंग्स वे का नाम हमने चेंज कर दिया राजपथ, और जो क्वींस वे था उसका नाम हमने चेंज करके रखा जनपथ। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये नेम क्या सिग्निफाई करते हैं, क्यों बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है इन नामों को चेंज करने के लिए, तो अगर हम देखें सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम किंग्स वे टू राजपथ सिग्निफाई द शिफ्ट इन सोवेरनिटी एंड सिम्बोलाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम मोनार्कियल रूल ऑफ इंग्लैंड। तो जब हमने किंग्स वे से इसका नाम चेंज किया राजपथ, तो ये एक शिफ्ट दिखाता है जो हमारी संप्रभुता, और सिम्बोलाइज करता है हमारी इंडिपेंडेंस को, जो हमने जो मोनार्कियल रूल था इंग्लैंड का उससे हमने इंडिपेंडेंस ली थी। और उसी सिमिलर वे में अब इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया, जिसका जो सिग्निफाई करता है जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक स्पिरिट है इंडिया की, वो सिग्निफाई करता है। और प्राइम मोदी जी ने जब इनाग्रेशन किया तो उन्होंने कर्तव्य पथ के बारे में कहा कि राजपथ वॉज द ब्रिटिश फॉर होम द पीपल ऑफ इंडिया वर स्लेव, कि राजपथ ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था जब इंडियन उनके स्लेव्स थे, एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ क्रोनियलिज्म, क्योंकि यह एक हमें याद दिलाता है कि हम किसी की क्लोनी रहा करते थे किसी टाइम। नाउ इट्स आर्किटेक्चर हैज़ चेंज एंड इट्स स्पिरिट हैज़ आल्सो चेंज, अब इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो चेंज कर दिया गया है और डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडिया को ये सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो रिलीज़ की है कर्तव्य पथ की, और इससे अराउंड जो भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर कितने अच्छे से देखिए रीडेवलपमेंट की गई है। जो आज़ादी के 75 साल बाद जो हमें गुलामी की याद दिलाते थे राजपथ और सेंट्रल विषय से नाम, अब उसे देश मुक्त हो चुका है। आधुनिक भारत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से लेकर ये राष्ट्रपति भवन तक और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते हुए तेजी से विकास करते हुए नए भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो न्यू पार्लियामेंट है उसका भी इनॉग्रेशन किया था, और जो भारत की जो एक
अच्छी छाप छोड़ रहा है विश्व पटल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा इसके बारे में जो हिस्ट्री थी और जो बिफोर और आफ्टर सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर इस वीडियो में, और क्या क्या यहाँ पर न्यू फैसिलिटी यहाँ पर लगाई गई है आप इसको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सीटिंग जो अरेंजमेंट की गई है यहाँ पर लोगों के चलने के लिए बहुत ही अच्छे से वेज बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस रखा गया है, वेंडर्स के लिए भी यहाँ पर स्पेस रखा गया है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये है हमारा जो उभरता हुआ भारत है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये रहा कर्तव्य पथ के बारे में थोड़ी सी हाइलाइट्स। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अनवील किया 28 फीट का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैच्यू जो इंडिया गेट पर लोकेटेड है। और यहाँ पर अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जहाँ पर नेताजी का जो स्टैच्यू अभी अनवील किया गया वहाँ पर पहले किंग जॉर्ज पंचम का यहाँ पर स्टैच्यू हुआ करता था। यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट भी किया जब इन्होंने स्टैच्यू को अनवील किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्ट ऑनर टू इनाग्रेट द स्टैच्यू ऑफ नेताजी बोस। यहाँ पर ये स्टैच्यू को अनवील करते हुए यहाँ पर देखिए कितना भव्य जो स्टैच्यू बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये जो पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये किया जा रहा है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंडर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था
टू गिव न्यू आइडेंटिटी टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कॉरिडोर ऑफ इंडिया। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से भी दर्जा दिया। और द रीडेवलपमेंट प्लान इन टेल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंट और इसके साथ ही 10 अलग से बिल्डिंग्स बनाई जाएगी जिसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी शामिल हैं। और द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा एरिया टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिस स्पेस। तो यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया मैंने। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।